सो हेलो एवरीवन, आप देख ही सकते हो आज मैं आप सबके लिए राजमा विद जीरा राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। जिनको राजमा बहुत फेवरेट है, जीरा राइस, तो उन सबके लिए ये रेसिपी जो है बहुत सिंपल वाली होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे ऑयल गर्म कर लेंगे। मस्टर्ड ऑयल हमें हमेशा लेना चाहिए सब्जी बनाते टाइम पर। ऑलिव ऑयल आप यूज़ करो, रिफाइंड ऑयल हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको यहाँ पे जीरा डाल के, जीरा भुनने के बाद यहाँ पे जिंजर पेस्ट डाल दी थी मैंने, ठीक है। उसके बाद जब ये अच्छे से ब्राउन हो गया था, उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 मैंने प्याज लिए थे, उनकी पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम प्याज को अच्छे से भुनने देंगे, 5 से 10 मिनट इसे लग जाएंगे। उसके बाद 4 टमाटर की प्यूरी बना लेंगे और ग्रीन चिली भी बीच में ऐड करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे जब प्याज हमारा अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट यहाँ पे भी आप थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि राजमा बॉईल करने के टाइम पे भी हमने सॉल्ट ऐड किया होता है, उस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और राजमा मसाला। बस यहाँ पे मैंने 3 मसाले यूज़ किए हैं और कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो सिर्फ राजमा मसाला ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसकी अच्छे से मैंने पेस्ट बना ली थी, थोड़ा सा पानी डाल के, और पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको इस मसाले में ऐड कर लिया था। अब आप देख सकते हो मसाला कितना अच्छा लग रहा है ना, और मुँह में पानी तो आ ही रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ राजमा मैंने कैसे बॉईल किए थे। रात को मैंने राजमा साफ़ करके ना, सो राजमा को अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने और भिगो दिया था, और सुबह उठ के जो वो पानी था वो मैंने फेंक दिया था, ठीक है। और कुकर में पानी मैंने डाल दिया था साफ़, और राजमा डाल दिए थे और एक चम्मच नमक डाल दिया था, और उसे मैंने 15 मिनट के लिए ना हाई फ्लेम पर रखा था, उसके बाद लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए रखा था, और ये बॉईल हो गए थे। आप देख सकते हो मैंने आगे स्टार्टिंग में लिखा है, आप वो पढ़ के बता सकते हो। अब यहाँ पे मैंने राजमा का पानी अलग कर दिया और राजमा का अलग कर दिया, और राजमा को मैंने मैश कर दिया। मैश करने से क्या होता है, राजमा की जो ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, तो आप भी हमेशा राजमा को थोड़ा मैश कर लिया करो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मिक्स कर लिया, आप चाहो तो इसे थोड़े सूखे भी निकाल सकते हो, ठीक है, और पानी भी डाल सकते हो। तो राजमा का जो पानी था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अभी आप देख सकते हो कितने रेड रेड बने ना। और हाँ, ये वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सबके साथ शेयर करो। तो यहाँ पे राजमा जो है रेडी हो गया है, बॉईल करके अच्छे से कर लिए हैं 5-10 मिनट के लिए, गरम मसाला डाल के इसे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे चावल की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि जीरा राइस सिंपल तरीके से हम कैसे बनाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले चावल को साफ़ कर लो और 2-3 बार अच्छे साफ पानी से इसे साफ़ करके रख लो। अब यहाँ पे एक पतीले में पानी लेंगे, पूरा पतीला भरा हुआ, और उसमें थोड़े से मटर डाल लेना और उसे बॉयल करने के लिए रख देना। बॉईल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने चावल धो के रखे थे ना, वो सब इसमें ऐड कर लेंगे। ये मैं बिना तड़के के आपको बताने वाली हूँ कि जीरा राइस इतने इजी कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे ही आप 1 चम्मच जो है जीरा ऐड कर लेना, ठीक है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना, और चावल को हम पका लेंगे। चावल आप अपने हिसाब से पका लेना, जब आपको लगे कि चावल पक गए हैं तो आप उस टाइम फ्लेम को बंद कर देना। यहाँ पर 5 या 10 मिनट लग ही जाते हैं चावल बनने में। तो ये एक थी सिंपल सी रेसिपी जो है मैं आपको बताने वाली हूँ जीरा राइस की, ठीक है। ऐसी रेसिपी आपने कभी देखी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चावल जो है पक गया। अब मैं इस चावल को जो है पानी स्टेन कर लूँगी, आराम से करना, ठीक है, और उसके बाद अब हम इसे सर्व करते हैं। तो राजमा चावल की सिंपल सी रेसिपी जो थी मैंने आपको शेयर की है, जैसे मैं बनाती हूँ, आप भी ऐसे ट्राई करके देखो। अब हम यहाँ पर सर्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ बताओ मुझे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ प्लीज़ सबके साथ शेयर करो ताकि मेरे और भी सब्सक्राइबर हों, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।